hello everyone welcome to manova tisnet 2021 preparation video so in this video we are going to see the question from data interpretation guys so this is the second video and as you know this is very demanding section for tisnet so maximum student don't have idea how to tackle with data interpretation and how you can minimize your calculation so in this video we are going to see how by less calculation you can do the question how your uh, basic understanding and little bit of uh, common sense will give you the answer so guys i'm going to start the session the following bar graph shows the production of fertilizers in lakh tons by a company in six consecutive years okay study the graph and answer the question so this is production in lakh and this is what the year okay so on the basis of this data what we have to do some questions. So, guys, let's start. The difference of the average production of fertilizer in the first three years. Okay. So first three year, three year, this, this, and this, and the average production in the last three year. So last three year is this, this, and this. So if you will add this three, you will get what? 70, 80, and 90. You know? So you can directly add eight threes are 240. How 240? मैं इस दस को ये जो टेन है ये मैंने क्या किया इसको दे दिया तो अभी क्या होगा ये भी एटी हो जाएगा है ना और ये भी एटी हो जाएगा और ये भी एटी हो जाएगा तो आई कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई दिस एटी बाई थ्री सो यू आर कम अप विथ दिस टू फोर्टी एंड नाव यू हैव टू एड दिस सो दिस इज वॉट नथिंग बट एटी एंड दिस इज 60 एंड दिस इज 75 80 60 सिक्सटी वन फोर्टी एंड सेवनटी फाइव वन फोर्टी एंड सेवेंटी फाइव इज नथिंग बट टू फिफ्टीन ओके सो दस इज वॉट टू वन गेट बिकॉज हियर इट इज

मान लो यहाँ पे मैं एवरेज फाइंड आउट करता हूँ तो आई विल राइट वन बाई थ्री ना सो वन बाई थ्री यू डिवाइड सो यूफ्ट विथ एट वन थ्री एंड दैट इज नथिंग बट योर ऑप्शन नंबर टू होप इट इज क्लियर मूविंग द रेशियो ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर इन द ईयर 1995, 1997 फाइव नाइनटीन नाइनटी सेवन एंड नाइनटीन नाइनटी नाइन सो आई कैन सेव नाइनटीन सेवन एंड नाइनटीन नाइनटी नाइन तो ये कितना है 60. दिस इज नथिंग बट नाइनटी

160 एंड प्लस दिस 75. सो so 160 प्लस 75 तो दैट विल नथिंग बट योर 235. इफ यू विल रिडक्ट इट यू विल गेट व्हाट 44 फोर इज टू 47. दैट विल बी योर आंसर हाउ आई कम टू नो 220 44 से डिविजिबल होगा एंड दिस तो देखो अगर मैं इसको 5 से करता हूँ तो आई कैन राइट 20 इन टू So that will nothing but this 220 so I can also write 44 upon 2 into 10 so I can also write 44 into 10 this 2 this will get cancelled so I can write 44 into 5 so that is nothing but your 220. Now if you multiply this by 5 4 5, 200 and plus 7 5's are 35 so 235 is nothing but so you can clearly guess ki that is nothing but 44 is to 47 so moving moving ahead. टोटल प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर इन ईयर 1998 एंड 2000 थाउजेंड इज एक्स परसेंट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन इन द ईयर 1997 एंड 1999 तो 1998 का अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो ये कितना आ जाएगा आपका दैट इज नथिंग बट 80 और 2000 2000 का ये कितना है 75 फाइव सो एटी एंड एटी वन उसमें से 5 सब्ट्रैक कर दो बिकॉज ना तो फाइव दैट इज नाइव सो वन फिफ्टी फाइव इज वट परसेंट ऑफ नाइन सेवन दैट इज ये is how much percent to 150. अब देखो यू कैन डायरेक्टली से भाई ये तो पॉसिबल आंसर नहीं है यह पॉसिबल आंसर नहीं है हाउ यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये वन फिफ्टी है कोई भी नंबर खुद का हंड्रेड परसेंट होता है और यह उससे ज्यादा है सो आई कैन से लिटिल मोर देन 150 अब मुझे ये भी पता है कि ये 155 जो है ना वो बहुत ही थोड़ा ज़्यादा है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है बहुत थोड़ा हाँ अगर इसका मैं 10% भी निकालता हूँ ना 150 का 10% अगर आप निकाल के इसमें ऐड करोगे तो 150 का 10% कितना होता है 15 हाउ क्योंकि एक पॉइंट पीछे चला जाता है अगर आपको 10% परसेंट फाइंड आउट करना है और अगर 150 में 15 भी अगर ऐड कर देते हो तो ये आपका हो जाता है 165 सिक्सटी जो कि उससे ये कम है तो यहां पे तो 125 परसेंट बता रहा है मतलब 10 परसेंट से भी बहुत ज्यादा ठीक है और ये 10 परसेंट से कम ही है तो एक ही ऑप्शन है आपका वन या फिर ऐसे भी आप समझ सकते हो कि 150 से थोड़ा सा ज्यादा है थोड़ा सा ज्यादा एक ही ऑप्शन वन नॉट थ्री है एंड दैट इज योर वन एंड ऑनली पॉसिबल ऑप्शन दैट इज होप यू आर गेटिंग मूविंग अहेड द ईयर इन विच द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर इज नियरेस्ट टू एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ऑल द दिक्कस ईयर तो फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं इस तीनों का फाइंड आउट करूंगा तो ये मुझे मिला था कितना 240 है ना और इस तीनों को मैंने जब ऐड uh, किया था तो मुझे कितना मिला था 215 ठीक है इसको ऐड करके डिवाइड बाई आप कितने करोगे वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स सो डिवाइड एंड सिक्स ठीक है तो अभी ये क्या हो जाएगा फाइव फाइव एंड दैट इज़ नथिंग बट फोर फोर फाइव फाइव को सिक्स से आप डिवाइड करोगे तो सिक्स सेवनजा और सिक्स सेवनजा फोर्टी टू एंड थ्री फाइव तो सेवेंटी सिक्स अप्रॉक्स विच ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर इज नियरेस्ट टू द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ऑल द ईयर तो अभी सेवेंटी सिक्स के नज़दीक में सिर्फ एक ही ऑप्शन है दैट इज योर टू थाउजेंड वाला सो यू कैन से योर ऑप्शन विल बी फोर कि क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन है दैट इज नथिंग बट सेवेंटी फाइव और यहाँ पे ये सेवेंटी सिक्स आया था इसके वो भी सेवेंटी सिक्स से कम ही आने वाला है I just took uh, approximate 76. So your option will be four. Hope it is clear. Moving ahead, guys. Percentage increase in production of fertilizers for a year with respect to its previous year was maximum in the year. ठीक है तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि परसेंटेज जो है increase ठीक है सबसे ज्यादा कौन से ईयर में हुआ है दिस इज आवर क्वेश्चन ठीक है तो यहाँ पे 96 है 97 है नाइनटी है और टू थाउजेंड है तो ये आपको फाइंड आउट करना है इस चार के पूरे के नहीं करने तो सबसे पहले अगर 96 में देखता हूं तो ये कितना इंक्रीज हुआ है जैसे ये 10 का इंक्रीज हुआ है ना 70 से 80 जा रहा है तो 10 का इंक्रीज हुआ है ऑन 70 क्योंकि 70 से ये इंक्रीज हो रहा है ना दैट्स व्हाई योर बेस विल बी 70 अगर मैं नेक्स्ट में जाता हूं 1997 में तो ये कितना टेन का इंक्रीज हो रहा है आउट ऑफ यहां पर एटी ठीक है अब यहां पे देखो थर्ड 1999 की अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो इसको तो हम लोग लिखेंगे नहीं ठीक है ये डिक्रीज हो रहा है बिकॉज हियर इट इज आस्किंग अबाउट इंक्रीज अभी अगर नाइनटीन से टू देखोगे तो ये सिक्सटी है और ये सेवेंटी है तो आई कैन राइट कि सिक्सटी प्लस फिफ्टीन दैट इज सेवेंटी फाइव क्योंकि सिक्सटी से इंक्रीज हो रहा है ठीक है तो द बेस विल बी सिक्सटी ठीक है अब आप इसको डिडक्ट कर लो तो वन बाई सेवन आ जाएगा वन बाई एट आ जाएगा और ये आपको वन बाई फोर आ जाएगा ठीक है तो वन बाई सेवन वन बाई एट एंड वन बाई फोर ठीक है अब मैं आपको एक फंडा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ देखो अगर हंड्रेड बाई टू लिखता हूँ ना मतलब मुझे परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो हंड्रेड बाई टू अगर मैं कर रहा हूँ तो ये मुझे देता है कितना फिफ्टी परसेंट ठीक है वैसे ही अगर हंड्रेड बाई वन लिखता हूँ ना तो ये मुझे जो परसेंटेज देगा वो कितना देगा हंड्रेड परसेंट है ना तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि बेस अगर छोटा हुआ तो परसेंटेज क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा है ना तो बेस इसमें सबसे छोटा किसका है इसका है ना हाँ तो यू कैन से योर ऑप्शन विल बी नथिंग बट योर 2000 थाउजेंड यहाँ पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम इंक्रीज है परसेंटेज का अब अगर इसको मैं फाइंड आउट करके आपको बता दूँ तो 1 बाई सेवन अगर परसेंटेज टेबल आपको पता है तो दैट इज नथिंग बट फोर्टीन परसेंट अगर वन बाई एट को फाइंड आउट करूँ तो इट इज़ नथिंग बट टूएल्व और अगर वन बाई फोर तो दैट इज नथिंग बट ट्वेंटी इससे दो गुना है मतलब हाइएस्ट परसेंटेज मैक्सिमम परसेंटेज इनक्रीज होप इट इज क्लियर गाइज सो अगर परसेंटेज फाइंड कैसे कर रहा हूँ मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड परसेंटेज अगर आपको फाइंड आउट करना है तो यू कैन मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड ठीक है सो दैट विल गिव यू द परसेंटेज ओके होप इट इस क्लियर मूविंग अहेड सो दैट वॉज आवर फाइव क्वेश्चन गाइज एंड इफ यू लाइक द सेशन सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल इफ यू इफ यू वॉन्ट टू कम इन टू अवर क्लास और यू वॉन्ट टू जॉइन Our live preparation batches. So you can call or WhatsApp on this number, or you can log on to maneuveredu.com, guys. Okay. So have a good day. Bye bye. Take care.